साथ ही अपन इस गेम में कोविड टेस्ट कराएगा और उसका रिपोर्ट भी तुमको बताएगा। रुको जरा सबर करो। तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, सबसे पहले तो आपको हैप्पी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम बोलोगे भाई हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो अपना अंग्रेजी का ईगो बहुत ज़्यादा है। और मैं तुमको जन्माष्टमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो कि मेरे को बहुत ख़राब लगा है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और इसमें जितना भी अभी चैप्टर बाकी है सब कवर होने वाला है। तो दिल थाम के बैठो और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चूतिया पाके। हमारे तो खून में ही कॉमेडियन छुपा हुआ है, तो बुरा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं तुमको बता दूं कि इस चैप्टर में जो हमने अच्छा काम किया था प्रेग्नेंट लेडी को पहुंचाने का, सो उसके साथ हमारा जो राजीव भैया थे वो भी है, तो वो हमको ब्लैकमेल करके अपना इंटरव्यू दे रहे और फेमस हो रहे। सो अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। सो अभी देखो कितने रफ्तार से पहुंचते हैं अपन। और इस रूट में तुमको कुछ चेंजेस में मिलेगा। ये देखो, ये कविता। भाई एक बात बताओ, ये कविता आखिर है सब? ये देखो, ये पुल खत्म। और ये देखो भाई, ये तो दारू पी लिया यार गंजेड़ी। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो, नहीं ये क्या चूतिया पाए भाई, ऐसा कौन करता भाई, टेढ़ा हो गया भाई, सो जा तू सबसे अच्छा। सो बस उसमें तो पहुंच गए और अभी अपन खेलेंगे ये वाला। सो इसको भी स्टार्ट करो। तो इसमें जो हमारे मनोहर साहब है जो कि इस ट्रेन के गार्ड है हमारी ट्रेन के, और वो हमको दे रहे। और एक सेकेंड भाई, इन दोनों का मार्क्स कहाँ है? अच्छा हाँ, सॉरी वैक्सीन लगवा लिए होंगे यार, क्या है मतलब कुछ भी, जिंदगी झंडे, पता नहीं किस बात का घमंड है। सो अपनी ट्रेन जो है डिपार्ट हो चुकी है, और उसके साथ ही अपन इस गेम में कोविड टेस्ट कराएगा और उसका रिपोर्ट भी तुमको बताएगा। रुको जरा सबर करो। सो अभी तुमको पता चलेगा कोविड टेस्ट कैसे होता है, लेकिन इधर पे एनिमल है, तो अभी मैं इसके बाद एनिमल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मेरी हिसाब से। सो अगर तुम एग्री करते हो तो कुछ मत करना, बस इस वीडियो को शेयर कर देना। सो अभी पहले कोविड टेस्ट करा ले। सो कार्तिक महाशय, तुम बताओ तुम्हारा कोविड टेस्ट क्या आया? नेगेटिव। सो तुमने जैसा कि देखा कि अपना जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आया। सो अभी अगर तुमको तो भी डाउट हो रहा है तो आरटीपीसीआर का भी टेस्ट कराते हैं। रुको। सो कार्तिक महाशय, तुम्हारा आरटीपीसीआर का टेस्ट कैसा रहा? नेगेटिव। सो बस अब तुमको कंफर्म हो चुका है, और कोविड में बस दो ही रिपोर्ट होता है, एक कोविड टेस्ट नॉर्मली और एक आरटीपीसीआर। तो देख लो दोनों नेगेटिव आया है, अब क्या बोल सकते हैं। तो पहले अभी यहाँ से हाथी लोगों को भगाया जाए। सो अभी मैं एनिमल के बारे में कुछ बोल रहा था, तो अगर तुम्हारे पास चाइना वालों का नंबर है, जी हाँ सही सुन रहे हो, चाइना वालों का नंबर है, तो प्लीज़ चाइना वालों का नंबर मुझे दो, क्योंकि जैसा कि तुमको पता है कि आज जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख करोड़ों की तादाद में मिलते हैं, ये बात भी सही है। और मोर इतने सारे पंख एक साथ नहीं ड्रॉप करते, ड्रॉप नहीं करते तो उनकी हत्या कर दी जाती है गन से, किसी भी चीज़ से काट के, या फिर उनका पंख उखाड़ लिया जाता है। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अपना बाल उखाड़ो वो भी एकदम मजबूती से, जितना बाल उखड़ने पे दर्द होगा उतना मोर का पंख उखड़ने में दर्द होता है। अब तुम समझ जाओ मोरों को कितना दर्द होता होगा, और नहीं भी होता है तो मार देते हैं उन लोगों को। सो इसके लिए चाइना वालों जरा ये बात सुन लो मेरी, मेड इट चाइना, मोर का पंख निकालो, प्लास्टिक का बनाओ, किसी का भी बनाओ, असली मोर तो नहीं मरेंगे। सो अगर तुम भी ये बात से एग्री करते हो तो इसका क्लिप कट करके शॉर्ट्स में बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स में डालो, सब जगह डाल दो भाई साहब। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो, नहीं तो फिर हमारे जो बच्चे उच्चे रहेंगे ना उनको मोर दिखाइए नहीं देंगे, तो वो लोग भी फिर सोचेंगे। सो बस अभी कंटिन्यू करते अपना गेम। सो अपने को मिला ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और भाई ये क्या भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ ये पहनने पर इतनी गर्मी लगती है सच्ची में, डॉक्टर लोगों को यार सलामी तो बनती है यार भाई, क्या बोल सकते हैं, एकदम लल्लन टाप। सो अगर तुम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ड्राइव करते तो इसमें तुमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन देखने को मिलेगा। ये देख लो भाई साहब, ये सीन देखने के बाद यार मैं तो बोलूँगा भाई ओपी कतई जहर। और भाई साहब मेरे को उससे भी खतरनाक तो ये वाला लगा, नहीं जरा तुम देख लो भाई ब्रिज में भाई साहब ये देखो क्या स्पीड है यार, कतई यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। तो अभी अपन पहुंच सके विजयवाड़ा जैक्सन। सो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और हाँ ये वाला चैप्टर जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मजा इंटू 100 आएगा ही आएगा, बस तुम देखो और कुछ नहीं।
तो यार कल एक बंदे ने मेरे वीडियो में कमेंट किया, भाई तू इतना स्किप काय कर रहा है। सो यार जैसा कि तुमको पता है मैं टाइम को बहुत महत्व देता हूँ, टाइम इज मनी एंड नो टाइम वेस्ट। सो अभी अपन लोग शूटिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे चहेते सुपरस्टार आने वाले हैं और सुपरस्टार का नाम मैं तुमको बताता हूँ अभी। ओ भाई ये क्या ऊपर चढ़ा लें इन लोगों को यार, काश इधर पे OHE वायर होता, कसम से मजा आ गया होता। सो अभी तुमको देखने को मिलेगा सस्ते नशे वाले डांस, ये देखो। सो गाइस ये क्या है, मतलब क्या बोलूं मैं यार, डांसर लोग हमारी ट्रेन पे चढ़े हैं यार। और मैं इस एक्टर का नाम तुमको लास्ट में बताऊंगा, भले इसमें एक्टर का नाम जो है वो थोड़ा चेंजेस है बट उसका रियल एक्टर का नाम तो तुमको भी पता है। सो अभी इधर पे हो गया है अपना जो डांसिंग है वो समाप्त हो चुका है और अभी मैं तुमको बताता हूँ कि इस एक्टर का नाम क्या है। नहीं ये देख लो तुम कतई, ये देखो सल्लू भाई, भाई सलमान खान है यार, सलमान खान। मैं फैन नहीं हूँ लेकिन सच्ची में मैं फैन नहीं हूँ। ये देखो ऑटोग्राफ तो ले लिया, फ्री में मिलता है यार, फ्री में हर चीज लेते हैं। सो अभी 11वें चैप्टर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसा कि तुमको भी पता है। सो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात है और अगर खराब लगे तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।